ध्यान करिए। जब आप यह ध्यान करेंगे तो हमारे सारे चक्र अच्छे होंगे। जैसे बच्चों के लिए तो फ्लावर बने हैं, बड़े लोग चक्र जानते होंगे, तो हमारे चक्रों को ऊर्जा प्रदान होगी। जब हमारी ये माँ उठेगी तो हमारे चक्रों को ऊर्जा देगी, जिससे हमारी सारी चीज़ें, हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे घरेलू हो, चाहे कोई भी हो, आजकल तो वैसे मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा लोगों को होता है, तो वो सारी चीज़ें आपकी सहजयोग ध्यान करने से अच्छी होगी। बताइए कैसा लगा आप लोगों को? ये क्या है, 2 मिनट हमारी अपनी जर्नी है। दिन भर तो हम दूसरों को देखते हैं, तो हमें अपने लिए कुछ समय निकाल के अपनी माँ से, तो उसमें हमको बहुत अच्छा फील हुआ, अंतर मन से बहुत अच्छा लगा। हमने अपनी माँ से प्रार्थना की कि हमको हमारे कुंडली माँ से कि हमारे चक्रों को ऊर्जा मिले। जय श्री माता जी। सबसे पहले ये बताओ बच्चों, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? करेंगे डेली? ये हमारे चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो, कोई भी लाइफ हो, सभी लाइफ के लिए, सारे जीवन के लिए हमारी बहुत अच्छी चीज़ मैडम ने आज बताई है, हमारे सर ने आज बताई है। इससे आप जो बैलेंस करते हो अपने आप को, और मैडम ने जो बताया आपको, जो स्टूडेंट लाइफ में जो हमें ऊर्जा प्रदान करती है, हमारे माइंड को एक्टिव रखती है। आज एक विचार भी था, बी एक्टिव। हाँ, तो हमें योगा जो होती है वो हमें एक्टिव रखता है, हमारे शरीर को एक्टिव रखता है, हमारे शरीर को निरोग रखता है, ऊर्जा प्रदान करता है और हमें बीमारियों से बचाता है। तो मैं अपने सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे बच्चों को, हमारे अध्यापकों को दी, और हम लोग भी, आपने जो सेंटर बताए हैं, जो बच्चे जाना चाहेंगे निःशुल्क है, आप लोग जाके वहाँ पर और अच्छे से सीख सकते हैं इसे और अपने जीवन में उतार सकते हैं। हमारे टीचर्स भी जाना चाहेंगे तो हमारे टीचर्स भी जाएंगे। धन्यवाद बहुत बहुत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। खराब नहीं होगा, और एक कान उसी का थोड़ा जो प्रोडक्ट होता है आप घर में रखते हैं, बड़े सहज के संभाल के फिर भी घुन लग जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है, 20 बातें होती है, लेकिन पृथ्वी माँ जो लगता है, पीपल छोटे छोटे बीज होते हैं, हाथ में से गिर पड़े यहीं पर और ढूंढना चाहो मिलेगा नहीं, लेकिन वो पृथ्वी माँ में किस तरह से उगता है, बढ़ता है, पुष्प पल्वित होता है, कितना बड़ा दरख्त होता है, तो ये सब कोई शक्ति कर रही है। हम लोग सोचते तो बातें तो इतनी लंबी चौड़ी होती है, आसमान गिरेगा तो राइफल रोक लेंगे, लेकिन एक डेंगू चल रहा है, कोरोना चला, आदर्श बीमारी, उसका हम लोग मुकाबला नहीं कर पाए। मीन्स प्रकृति से आगे कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रकृति है, और हम लोग पत्ता 1 सेंटीमीटर लकड़ी बनाना चाहे नहीं बना सकते, हम लोग केवल रूप बदल सकते हैं, तो ये सब कुछ करने वाली प्रकृति है। तो जब बच्चा माँ के गर्भ में 3 माह का होता है, उस समय प्रभु की शक्ति जो प्राण प्राण होती है हमारे तालु भाग से प्रवेश करती है। यहाँ पे थोड़ा सा गोल हिस्सा होता है, इसको प्रिज्म के आकार का होता है, शक्ति 3 भागों में बढ़ जाती है, तो एक तिहाई शक्ति हमारी पीड़ा नाली में जाती है, ये ठंडी नाली चंद्रमा की नाली है, 1 तिहाई शक्ति हमारी पिंगला नाली में जाती है, सूर्य नाली है, गर्म नाली है, और 1/3 शक्ति हमारी सुषुम्ना नाली की वर्तमान की नाली है, ये इसमें जाती है, और सबसे निचला बैकबोन का, रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा त्रिकोण होता है, ट्रायंगुलर होता है, तो उसमें वो शक्ति 3.5 लपेट लगा के बैठ जाती है, इसको आध्यात्मिक भाषा में कुंडलनी शक्ति बोलते हैं। हम लोग चूंकि जैसे बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चा 3 माह का होता है माँ के उदर में, उससे पहले उसमें प्राण वायु नहीं होती, उसमें जीवन तो होता है लेकिन प्राण वायु तो माँ कहती है कि हाँ बच्चे में हलचल मूवमेंट हो गया, धड़कन है, आ गई है, तो उस समय उससे पहले प्राणवायु नहीं होती है, तो वो जो शक्ति होती है वो कुंडलनी शक्ति है, वो रीढ़ का सबसे निचला है हिस्सा त्रिकोण होता है, उसमें 3.5 लपेट लगा के बैठ जाती है, कुछ भी सोचते हैं वो हमारा इसमें संचित रहता है। तो और अगर हम होता क्या है कि हम या तो भूत में होते हैं या भविष्य में होते हैं, वर्तमान में नहीं रहते हैं, और अगर हम जैसे सपोज भूख लगी है, खाना खाने बैठे हैं, या बच्चा कोई पढ़ने बैठा है तो खाना सामने रखा है या पढ़ाई कर रहा है, और पढ़ाई में वो
पिछला सोच रहा है कि हमारा पहले हम इतना मेहनत कर लेते इतने नंबर आ जाते या नेक्स्ट सोचता हमारे ऐसा कर लेंगे वैसा हो जाएगा और उसके वर्तमान में विचार नहीं तो उसको याद नहीं हो पाएगा। अगर फिजिकली मेंटली वो वर्तमान में है तो जल्दी कम पढ़ने में थोड़ा पढ़ने में याद हो जाएगा। तो यही चीज़ है कि जब हम इसमें मेडिटेशन में आते हैं ये अपने आप में होता है और हमारे अंदर निर्विचारता आती है। जीवन में हम लोगों को देने तो हम अपना गलत फैसले लेते हैं नुकसान होते रहते हैं। तो व्यापी शक्ति से एकाकार होती है तो हमारे ये तीन नाड़ियां सात चक्र हैं शरीर में जो भी दिक्कत होती है वो